हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष हरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा हमारे पास जब किसी भाई का कॉल आता है तो उनका एक ही सवाल रहता है कि सर, मछली पालन में मछली के फीड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कुछ ऐसे करें कि यार मछली को फीडिंग ना कराना पड़े और मछलियाँ हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए। तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, कुछ नई नई जानकारियाँ लेने की कोशिश करी। तो किसान भाइयों, इसी एक प्रक्रिया में मैं आपको एक नए कल्चर सिस्टम के बारे में आज बताना चाहूँगा जिसमें आपको मछली को फीडिंग नहीं कराना पड़ता। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लोग दो कल्चर सिस्टम को आपस में जोड़ देते हैं जिससे एक कल्चर सिस्टम का जो वेस्टेज होता है वो दूसरे कल्चर सिस्टम के लिए खाने के रूप में प्रयोग होता है, जिससे हमारे वेस्टेज का रिसाइकलिंग हो जाता है और हमारा फीडिंग कॉस्ट है उससे 50% तक घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर की, जिसको एकीकृत मछली पालन कहते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे आप मछली के साथ अगर मुर्गी का पालन करेंगे दोस्तों तो कितना आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आपका फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा, इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट है वो जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि आप मीट अंडा के साथ साथ मछलियों को भी सेल करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मैं डिटेल से बात करूँगा कि आप जो मुर्गी का सेट है वो तालाब के बीच में बनाइए कि किनारे में बनाइए, कौन कौन सी मछलियों को इसके साथ पालन कर सकते हैं या फिर किस मुर्गी को हम लोग मछली के साथ डालेंगे, कितना तक प्रोडक्शन है वो आप कमा सकते हैं, डिटेल में मैं आपको बात करूँगा। पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग मुर्गी के सेड के बारे में, क्योंकि हम लोग मछली के साथ अगर मुर्गी का पालन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग तालाब में मुर्गी को छोड़ देंगे ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हम लोग मुर्गी के लिए अलग से एक हेन हाउस बनाएंगे, मुर्गी के लिए अलग से घर बनवाएंगे। ये घर या तो आपका छोटा हो सकता है जिसको हम लोग घास फूस से पहले बनाते थे, आपका पैरावट वगैरह का उपयोग करके, है ना, जो जुगाड़ू तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग अच्छे से कंक्रीट का बेस बना करके उसमें अच्छे से शेड वेड लगा करके हम लोग मुर्गी को तालाब के ऊपर में रख सकते हैं। यहाँ पर एक और सिस्टम है कि या तो आप अपने मुर्गी के घर को तालाब के ऊपर में बनवा सकते हो या फिर तालाब के किनारे में बनवा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक मुर्गी को 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बात करें कि कौन कौन सी मुर्गियों को हम लोग मछली के साथ पालन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई भी देसी प्रकार की मुर्गी हो सकती है, आपके लेयर मुर्गी हो सकती है जिसको हम लोग अंडा के लिए पालते हैं, या फिर आपकी जो ब्रायलर मुर्गी होगी जिसको हम लोग मीट के लिए पालते हैं। तो आपके पास जो भी मुर्गी अवेलेबल होगा, जो भी चूजे आपके क्षेत्र में अवेलेबल होंगे, उसको आप इसके साथ पालन कर सकते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर मुर्गी को फिट कराते हैं, मछली को फिट नहीं कराते। उसका जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो मछली के फिड के रूप में प्रयोग होता है। इस वजह से इस कल्चर सिस्टम को हम लोग पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग कहते हैं। सर, ये भी सवाल रहता है हमारे फार्मर भाइयों का कि यार कितने मुर्गियों को हम लोग अपने तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको क्षेत्रफल बताया है कि 0.4 मीटर स्क्वायर प्रत्येक मुर्गी को क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है या फिर आपका 2.5 एकड़ का तालाब है, तो 2.5 एकड़ के हिसाब से मैं आपको यूनिट बताता हूँ। 2.5 एकड़ के तालाब में आप 250 लेयर मुर्गी बच्चे हैं उसका सेट बनवा सकते हैं। और अगर बात करें आपकी ब्रायलर मुर्गी की दोस्तों, तो आप साल में कम से कम 4 बार 200 मुर्गियां हैं वो 4 शिफ्ट में आप पालन कर करके हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रायलर मुर्गी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस वजह से साल में 4 बार आप ब्रायलर मुर्गी का फसल है वो निकाल सकते हैं। लेकिन लेयर मुर्गी क्या है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो अंडा देने वाली मुर्गी है। तो अंडे के अगर आपके क्षेत्र में डिमांड होगा तो आप लेयर मुर्गी डालिए, अगर आपके साइड मीट का डिमांड होगा तो आप ब्रायलर मुर्गी है उसका पालन कर सकते हैं। साथ की हमारे जो मुर्गियां हैं उसको हम लोग क्या खिलाएं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इस कल्चर सिस्टम में मछली को फीड नहीं कराने वाले, तो इस वजह से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप
जो देसी तरीका से जो हम लोग मैजी हो गया, वीट हो गया, उसके पाउडर का प्रयोग करते हैं मुर्गी को खिलाने के लिए। तो अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहेंगे और अपने वाटर पैरामीटर्स को ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं देखना चाहते दोस्तों, तो आप मेरे हिसाब से आपको कंपनी वाली जो मुर्गी का फीड आती है उसको आप खिलाइए। क्योंकि यहाँ पर एक और आपको मैं पॉजिटिव चीज़ बताऊँगा कि जैसे मान लीजिए आपने मुर्गी को कंपनी वाली फीड खिलाई, तो उसके जो वेस्टेज निकलेगी दोस्तों, उसमें प्रोटीन विटामिन के जो कंटेंट होते हैं वो अच्छे लेवल पर रहते हैं। मान लीजिए आपकी मुर्गी ने कुछ बीट छोड़े तो सीधा वो तालाब में गिरेगी और उस बीट को मछलियां डायरेक्ट भी खा सकती हैं, क्योंकि उसमें अनडाइजेस्टिबल प्रोटीन्स हैं वो उपस्थित होती हैं जो मुर्गी ने पूरी तरीके से खाना को नहीं पचाया रहता। तो जो भी अमाउंट बचा रहता है वो मछली के फीड के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। तो कंपनी वाली फीड खिलाने के ज़्यादा फायदे हैं, आपके मुर्गियों को भी फायदा है और आपके मछलियों को भी फायदा है, साथ ही साथ आपके वाटर पैरामीटर्स हैं वो भी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो आप कंपनी वाली जो हेन का, जो मुर्गी का जो खाना आता है, अच्छा प्रोटीन युक्त आहार, उसको आप खिलाइए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आटा जो आपके साइड जो मुर्गियों को खिलाते हैं उसी का प्रयोग करिए। कंपनी वाले फीड नहीं खिलाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बजट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी का शेड है उसको तालाब के ऊपर में बनाते हो, तो गर्मी के सीजन में आपको अपने मुर्गियों को आपको ठंडी हवा देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, गर्मी में तालाब से उमस निकलती है जो मुर्गियों के लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। तो आपको अगर तालाब के ऊपर में शेड बनवाते हैं तो आपको उसको अच्छा फ्रेश हवा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ शेड के ऊपर में आपको उसका कवर करने वाला एक कपड़ा आता है ना हरा कलर का, उसको डालना पड़ेगा। साथ में उसमें पानी का फवारा छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका शेड है वो ठंडा रह पाए, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ हैं वो मरती हैं। तो आपको उसके टेम्परेचर को, इनर टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो तालाब के किनारे में जो मेड़ होता है उसमें भी आप मुर्गी का शेड है वो बनवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा वर्कर ज़्यादा लगेंगे क्योंकि आपको वेस्टेज को कलेक्ट करके तालाब में डालना है, लेकिन जो तालाब के ऊपर में जो शेड बनवाते हैं उसमें डायरेक्ट आपका बीड है वो तालाब के पानी में सीधा गिरती है ना, तो उसमें आपको वर्कर कम लगेंगे। लेकिन आपको जैसे सुविधा लगती है उसके हिसाब से आप शेड का निर्माण करवाइए। झंझट नहीं लेना है तो तालाब के किनारे में ही बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों मछलियों के बारे में कि आखिर कौन कौन सी मछलियों को हम लोग मुर्गी के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके प्लैंकटॉन बेस्ड फार्मिंग पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मुर्गी जो बीड छोड़ती है वो तालाब में प्लैंकटॉन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना। क्योंकि हम लोग नॉर्मल फार्मिंग करते हैं उसमें अलग से गोबर को कलेक्ट करके तालाब में फर्मेंटेशन के रूप में डाला जाता है, लेकिन इस कल्चर सिस्टम में डायरेक्ट मुर्गी का जो बीड होता है, जो वेस्टेज होता है, उसी को हम लोग कलेक्ट करके तालाब में डाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, न ही इसको फीडिंग कराते हैं। करें मछलियों की दोस्तों, तो ये 7 मछलियां हैं जिसको आप अपने मुर्गी के तालाब में डाल सकते हो। कतला, रोहू, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, और अगर आप चाहेंगे तो मरेल मछली को भी आप अपने तालाब में छोड़ सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आप अपने मुर्गियों को जब हार्वेस्ट करोगे और उसके जो वेस्टेज बचेगा, पॉटी वगैरह या फिर उसका जो इंटेस्टाइन वगैरह है, उसको चॉप करके आप मरेल मछली को भी खिला सकते हो। तो आप चाहेंगे मरेल को भी तालाब में डाल सकते हैं, लेकिन खासकर IMC और आपका एग्जॉटिक कार्प को आप अपने तालाब में आसानी से छोड़ सकते हैं। बात करें अगर कितने मछलियों को हम लोग स्टॉक कर सकते हैं, तो प्रति एकड़ आप 4500 से 5000 तक आप फिंगरलिंग साइज के बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ सकते हैं। बात करें अगर स्टॉकिंग डेंसिटी की, तो हम लोग अलग अलग लेयर की मछलियां तालाब में छोड़ेंगे ताकि तालाब के न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो और तालाब के पानी का अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लेयर जो रहता है मतलब आपका कतला और सिल्वर कार्प को 40% तक डालते हैं, जिसमें आपका 20% आप कतला का परसेंटेज डाल दीजिए और 20% आप सिल्वर कार्प का। मिडिल की बात करें तो मिडिल में आपका कौन आता है, आपका ग्रास कार्प आता है और आपका रोहू आता है। ग्रास कार्प एक्चुअल में तालाब के बॉटम में रहती है, क्योंकि वो आपके बॉटम में रहेगी या फिर किनारे में रहती है जहां पर वीड या फिर एक्वेटिक वीड जो खरपतवार रहती है उसकी संख्या जहां पर ज्यादा रहती है वो वहां पर अपने हिसाब से रहता है। तो आप मिडिल जो कॉलम जो बीच में रहने वाली मछलियां हैं जिसमें आपकी रोहू मछली,
उसको आप दोस्तों 20% तक डाल सकते हैं, और जो बॉटम फीडर है जिसमें आपका कॉमन कार्प आती है, मृगल आती है, उसको आपको 30% तक डालना है। आप मान लीजिए ग्रास कार्प का परसेंटेज भी अगर मैं बात करूं तो आपको 10-15% तक आप ग्रास कार्प को भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तालाब के बॉटम में एक्विटिक वीट को साफ करने के लिए हेल्पफुल होती है। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से इस कल्चर सिस्टम की मदद से मिनिमम 2-2.5 टन तक आप मछली का प्रोडक्शन ले पाएंगे। लेयर मुर्गी पालन करेंगे तो कम से कम एक साल में आप 70,000 तक अंडे का सप्लाई कर पाएंगे। अगर मीट की बात करें, अगर ब्रायलर मुर्गी पालन करेंगे तो आप मिनिमम कम से कम आप 2000 किलो से 2500 किलो तक आप मीट है वो उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये आपके ऊपर है, आप जितना अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने तालाब में जो बीट डालेंगे, जो वेस्टेज डालेंगे, वो पर डे आप स्टार्टिंग में आपको 30 से 35 किलो डालना है, और एक महीने के पश्चात आप उसको 40 से 45 किलो तक प्रतिदिन आप उसमें बीट है उसको डाल सकते हैं। लेकिन आपको वाटर पैरामीटर्स को खासकर चेक करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप तालाब में बीट जाएगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड तालाब में बढ़ सकती है। तो आपको वाटर कंडीशनर तालाब में डालते रहना है, चूने का प्रयोग आपको रेगुलर करते रहना है, और अच्छे से अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक करके उसको मेंटेन रखना है। किसान भाइयों, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप आपके आसपास जो भी कोई कर रहे होंगे उसको ज़रूर आप जाके मॉनिटरिंग करिए, पूछिए उनसे, कुछ डाउट होगा तो हमको भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई टॉपिक पर वीडियोस चाहिए होगा उसको नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट के हिसाब से भी वीडियो ला सकता हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।